Assalamualaikum, hi viewers, I'm Rizwan Chaudhary. Today we will discuss about new chapter, that is sedative and hypnotic drugs. So last lecture we will discuss about neurodegenerative disease. I have discussed to you about Parkinson's disease, Alzheimer's disease. So next topic is sedative and hypnotic drugs. So before watching my video, please like and subscribe my channel and press the bell icon. So next up. तो टुडे आज हमें सेडेटिव और हाइपनोटिक के बारे में डिस्कस करना, ठीक है, कि ऐसी ड्रग्स जो होती है जो स्लीप का नहीं करेगी, ठीक है, एक्साइटमेंट को रिड्यूस कर देंगी, उसके अलावा क्या करेंगी, कैलमिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेंगी, ठीक है, स्लीप विदाउट काजिंग स्लीप, उनको हम सेडेटिव्स कहते हैं। और हाइपनोटिक में ये होता है कि वो स्लीप प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और वो स्लीप रिजेंबल करेगी नेचुरल स्लीप से, ठीक है। अब वही ड्रग जो सेडेटिव वाली ड्रग आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसकी डोज इंक्रीज कर रहे हैं तो वो जो अपना इफेक्ट होगा वो एक्ट एज अ हाइपनोटिक ड्रग के तौर पर एक्ट करेगी, ठीक है, बस जस्ट डोज इंक्रीज करने पर। अगर लो डोज दे रहे हैं तो एक्ट एज अ सेडेटिव, जो भी बेंजोडाइजेपिन है या जो भी ड्रग है, ठीक है, लो डोज देंगे तो एक्ट एज अ सेडेटिव, और अगर डोज आप इंक्रीज करेंगे तो वो एक्ट करेगी एज अ हाइपनोटिक ड्रग्स। तो ये हो गया सेडेटिव और हाइपनोटिक के बारे में। अब फार्माकोलॉजी का तो हमें पता ही होता है कि ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, लेकिन मैं साथ आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी भी बता रहा था बॉडी की, ठीक है। तो हम नॉर्मल फिजियोलॉजी इसकी देख लेते हैं स्लीप की, ठीक है, कि स्लीप की नॉर्मल फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें, ठीक है, डेविएशन तो तब हो भी जाएगी कि जब उसकी जो नॉर्मल फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हमारे पास डेविएशन आएंगे, डिफरेंट डिजीज होंगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी कि स्लीप की नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या हो सकती है, तो स्लीप की क्लासिफिकेशन होती है, हमारे पास दो क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है, रैपिड आई मूवमेंट होती है और नॉन रैपिड आई मूवमेंट। अब नॉन रैपिड आई मूवमेंट की पांच स्टेजेस हैं, ठीक है, 0 to 4 stages तक। अब नॉन रैपिड आई मूवमेंट जो है उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्या है इसकी स्टेजेस में। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है stage 0, ठीक है। stage 0 में क्या होता है कि बंदा लेटने से स्लीप तक, ठीक है, लाइंग डाउन टू स्लीप, इसको कहते हैं हम stage 0, ठीक है, कि जब बंदा लेट जाता है, जब भी सोने लगता है सोने तक, पहले क्या करेगा, लेट डाउन होगा ना, देन उसको नींद आएगी, ठीक है। तो ये होगी stage 0। अब stage 1 में क्या होगा, जब आप लेट डाउन हो गए तो आपका आहिस्ता आहिस्ता आप क्या होगा, आपकी जो आई मूवमेंट है वो डिक्रीज होगी, ठीक है, आई मूवमेंट डिक्रीज होगी, बिल्कुल स्टेबल होगी इस तरह, ठीक है, जो बॉडी के मसल्स होंगे ना, ठीक है, बॉडी मसल वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब stage 2 में क्या होगा कि और ज़्यादा, ठीक है, आई मूवमेंट और डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, आई मूवमेंट जब और डिक्रीज होगी तो पर्सन जो होगा वो शख्स एरोजिबल होगा, मतलब कंफर्टेबल फील करेगा, बिल्कुल रिलैक्स, उसे नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। stage 3 में ये होगा डीपेक्स स्लीप होगी, ठीक है, कि बंदा बस नींद आना उसको स्टार्ट हो गई है, ठीक है, नींद में चला गया, ठीक है, डीपेक्स स्लीप होगी, आई मूवमेंट मिनिमम होगी, ठीक है। अब stage 4 की बात करें, ठीक है, तो stage 4 में भी हुई कि डीपेक्स स्लीप तो ये हुई, ठीक है, और इसमें दो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs में भी पूछे जा सकते हैं या किसी भी टेस्ट में पूछे जा सकते हैं कि वो स्लीप की कौन सी क्लास है और उसकी कौन सी स्टेज है जिसमें जो ग्रोथ हार्मोन है उसका लेवल मैक्सिमम होगा और मेटाबॉलिक रेट लोवेस्ट होगा। तो पहली stage 4 में पहली चीज़ ये होगा कि डीपेक्स स्लीप होगी, ठीक है, स्लीप क्या होगी, हमारे पास डीप स्लीप होगी, ठीक है, प्लस जो मेटाबॉलिक रेट होगा वो लोवेस्ट होगा, सबसे कम होगा मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, देन जो ग्रोथ हार्मोन का लेवल है उसकी जो सिक्रीशन होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। फोर्थ वन क्या है,
कि कोई आई मूवमेंट, जाहिर बात है जब आप सोए होंगे तो आई मूवमेंट कैसे होगी, ठीक है, कोई आई मूवमेंट नहीं होगी, मसल्स फुली रिलैक्स, ठीक है, जाहिर बात है जब आप सोए हुए तो मसल्स तो रिलैक्स ही होंगे, ठीक है। अब इसमें सिक्स वन आ जाते हैं कि अगर रात को कोई इमरजेंसी हो जाए या बाई चांस कोई आपको जगा दे या कोई आपकी आँख खुल जाए तो 2 से 3 मिनट क्या होगा कि आपको बिल्कुल पता ही नहीं होगा, ठीक है। सपोज अगर आपको रात कोई रात 2 बजे को जगा देता है, ठीक है, और कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई आपका दोस्त बीमार हो जाता है, कोई जगाता है, तो 1-2 मिनट तक आपको कोई पता नहीं चलेगा कि वो आपको क्या कह रहा है, ठीक है। मतलब आप उसको सुन रहे तो होंगे लेकिन आपको वो समझ नहीं होगी क्योंकि आप नींद में होंगे, ठीक है। तो ये थी हमारे पास इसकी 5 स्टेजेस मैंने डिस्कस की। सेकंड हमारे पास आ जाती है रैपिड आई मूवमेंट, REM। अब रैपिड आई मूवमेंट की भी हमारे पास है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो इसमें स्टेजेस तो नहीं कह सकते, इसकी ये है कि ड्रीमिंग आप हाफ देखेंगे, ठीक है। पहली बात क्या होगी, ड्रीमिंग होगी, आप हाफ देखेंगे, ठीक है। सेकंड जो आपका हार्ट रेट होगा, ब्रीथिंग रेट, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, हार्ट रेट और ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होगा। थर्ड ये होगी कि जो आप ख्वाब देख रहे हैं, ठीक है, नींद में कोई हाल देख रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। मींस रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि रात सोए हुए आपने ख्वाब देखा तो जब सुबह उठेंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा, हाँ जी रात को मैंने ये ख्वाब देखा था, इसमें मैंने ये देखा कि मैंने गाड़ी ली है, ठीक है, मर्सिडीज बेंज मार्क्स जो भी एक्सेट्रा, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। फोर्थ वन क्या होगी कि जो रिलैक्सेशन होगी, मसल्स रिलैक्स होंगे, ठीक है, मसल्स क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, कि पहली बात आप ड्रीमिंग्स हाफ देखेंगे, सेकंड यह है कि ब्रीथिंग रेट और हार्ट रेट इंक्रीज होगा, थर्ड यह है कि वो जो हाफ आप देख रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, और फोर्थ वन कि मसल्स रिलैक्स होंगे। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी थी, ठीक है, स्लीप की। अगर इससे कोई डिस्टरबेंस आएगी, डेविएशन आएगी, देन हम फिर जाते हैं ड्रग सिलेक्शंस की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया कि सिडेटिव्स क्या है, ठीक है। अब सिडेटिव वो ऐसी हमारे पास ड्रग्स होते हैं जो कार्मिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, एक्साइटमेंट को रिड्यूस कर देंगे, जो मींस जो ब्रेन पे आपका लोड होता है उसको कम करती हैं, ठीक है, विदाउट प्रोड्यूसिंग स्लीप। और हैप्नोटिक के वही ड्रग जब आप उसकी डोज इंक्रीज करेंगे एक्ट एज हैप्नोटिक, ठीक है, स्लीप काज करेंगी और वो स्लीप रिजेंबल करेगी नेचुरल स्लीप से। फिर मैंने क्लासिफिकेशन की बात की, जो इसकी स्लीप की क्लासिफिकेशन है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है, एंड रैपिड आई मूवमेंट। अब नॉन रैपिड आई मूवमेंट की फिर 5 स्टेजेस का बताया कि 0 में क्या होगा हमारे पास, लेट होना, आप लेट जाएगी स्लीपिंग के लिए। फर्स्ट में क्या होगा, जो आई मूवमेंट होगी डिक्रीज होगी, ठीक है, इसके अलावा मसल रिलैक्स होना स्टार्ट होगी। सेकंड में मैंने डिस्कस किया कि जो आई मूवमेंट होगी वो डिक्रीज होगी, पर्सन एसेसी वाला होगा, ठीक है, अरूजेबल होगा, मतलब कंफर्टेबल फील करेगा। स्टेज नंबर 3 में कि डीपेक्स स्लीप होगी और मिनिमम आई मूवमेंट। फोर्थ स्टेज में ये था कि डीपेक्स स्लीप होगी, मिनिमम आई मूवमेंट, और इसके डीपेक्स स्लीप होगी देन क्या होगा, जो मेटाबॉलिक रेट होगा वो कम, सबसे लोवेस्ट होगा, जो ग्रोथ रेट होगा, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन मैक्सिमम होगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो मसल्स फुली रिलैक्स होंगे, ठीक है, नो आई मूवमेंट, कोई आई मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। अगर बंदा रात को जाग जाता है, कोई बंदा जगा देता है उसको, तो 2-3 मिनट क्या होंगे या 1-2 मिनट उसको लगेंगे वो स्टेबल होने में, ठीक है, और वो बिल्कुल नींद में होगा, ठीक है। और देन फिर रैपिड आई मूवमेंट के बारे में कहा कि आप ड्रीमिंग ख्वाब देखेंगे, ठीक है, उसके अलावा हार्ट रेट ब्रीथिंग रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, और अगर वो हाफ जो आपको देख रहे हैं वो रिकॉल कर लेंगे, मींस कि सुबह जब आप उठेंगे तो वो आपको याद होगा, उसके अलावा मसल्स जो होंगे रिलैक्स होंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे टॉपिक्स। If anyone have any single question related to this topic, you can ask in comment box. Next lecture we will move toward drugs acting on sedative and hypnotic drugs. So thank you very much.